ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆದರಿದೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಸ್ವತಃ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಸವದಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ 189 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ಸ್ವರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ ಸರ್ ಫೇಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇ 189 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನಾउंसಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಅಪ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾ ಬಾರೆ ಮೇ ಆಪ್ دیکھیے جہاں पुराने कार्यकर्ताओं का सामंजस्य को रखते हुए उनको ध्यान रखते हुए 52 52 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो फ्रेश हैं तो कार्यकर्ताओं के मन में पूरे कर्नाटक में यह है भारतीय जनता पार्टी हमारा ध्यान रखती है पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बीजेपी जो संगठन आधारित पार्टी है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और संगठन और कार्यकर्ता मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम को लेकर के आगे जा रहे हैं जो उन्होंने काम किया है हमारी राज्य सरकार ने मुम्बई जी के नेतृत्व में काम किया है यह मान लीजिए प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है बहुत अच्छी लिस्ट है चारों ओर या जो इस जो सूची अनाउंसमेंट हुई है उसकी तारीफ ही तारीफ हो रही है सर आप कह रहे हैं 52 को नया कैंडिडेट को आप लोग हम लोग चेहरा दिखा दिया बोल के मगर पुराना बहुत बड़े नेता मानता है कर्नाटक में शेट्टर भी है ईश्वरप्पा है ऑलरेडी ईश्वरप्पा ने एक निर्धार किया है आप लोग को पत्र भी लिख चुका है और एक चीज़ है लक्ष्मण सऊदी है अरविंद लिंबावली ऐसे चार पांच लोगों को फैले बार में क्यों टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हो ऐसा नहीं है देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा मैं कार्यकर्ता आधारित पार्टी है विचारों के आधार पर चलती है विचारधारा को लेकर के हम संगठन में काम करते हैं हमारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा ही हमारे लिए स्वरोपरी है इसे सभी कार्यकर्ता हमारे साथ है सभी नेता हमारे साथ हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है कर्नाटक में इतिहास रचने वाला है बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी आपके पार्टी में पिछले एक पंद्रह दिन का पहले सुदीप भी आके कैंपेन के लिए मदद करेंगे बोला है इस बार और भी कोई ऐसे फिल्म स्टार आने वाला है देखते रहिए बहुत सारे लोग बीजेपी में आकर के बीजेपी का प्रचार करेंगे आप देखते रहिए सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और सबका यह सौभाग्य भी होता है कि उनके नेतृत्व में वह काम करें उनकी नीतियों का जिस प्रकार से है उसकी पूरे देश में सराहना होती है गरीब कल्याण के लिए जो काम हो रहा है वो अद्भुत काम हो रहा है सर लास्ट क्वेश्चन है पिछले बार इलेक्शन में वन टारगेट रखा था इस बार आप लोग का टारगेट क्या रहेगा देखिए हमने जो टारगेट रखा उसी टारगेट पे हम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक विजय इस बार होने हिस्टोरिक विक्ट्री बीजेपी को होने वाली है नंबर 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 सर नम्बर। नम्बर तो आप कैलकुलेशन करिए क्या नंबर होता है लेकिन हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने वाली है थैंक यू यूष्ट बीजेपी कर्नाटक उत्तवर अरुण सिंह अभिप्राय नवदेली पवन जोते संतोष पवन टीवी